एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि वॉट इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या होता है और क्यों किसी जीव के लिए रिप्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना के रख सकें तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिप्रोड्यूस इसका मतलब कि किसी भी चीज़ को फिर से रिप्रोड्यूस करना अपनी सेम कॉपी वो भी सेम स्पीसी की नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर डिफिनेशन चलिए देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या होता है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी यह एक जैविक प्रक्रिया है इन विच एन ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई भी जीव गिव राइस टू यंग वंस यानी अपने जैसी संतान पैदा करता है ऑफ स्प्रिंग ग्रो और जो संतानें होती हैं वो बड़ी होती हैं, मैच्योर होती हैं एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग करती हैं? अपने ही जैसा वो एक नए संतान को जन्म देती हैं तो इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन अ सिंपल वर्ड अगर कोई जीव अपने जैसी अपनी संतान पैदा करता है और वो संतान ग्रो करके मैच्योर करके फिर वो भी अपने ही जैसे संतान पैदा करे तो उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन उसमें लाइफ साइकिल होती है बर्थ होता है ग्रोथ होता है एंड डेथ होता है द रिप्रोडक्शन आल्सो हेल्प द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी रिप्रोडक्शन के हेल्प से कोई भी जाति अपने आप को कई जनरेशन तक कॉन्टिन्यू करके रख सकती है नाउ

तो चलिए देखते हैं ए सेक्सुअल प्रोडक्शन की डिफिनीशन क्या होती है वेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाई अ सिंगल पेरेंट यानी कोई संतान बन रही है पर सिंगल पेरेंट्स के हेल्प से बन रही है विदाउट द involvement ऑफ गैमेट फॉर्मेशन यानी उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यानी ना इस्पम एंड बिना ओवा के हमारा जब ऑफ स्प्रिंग बन जाए वो भी सिंगल पेरेंट है तो उसको हम कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल में बर्डिंग है बर्डिंग का मतलब होता है कली बनना बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन किसी भी चीज़ का टूट के दो में कन्वर्ट हो जाना एंड द थर्ड वर्ड इज फ्रेगमेंटेशन यानी इसके कई खंड टुकड़े हो जाना इसको हम कहते हैं ए सेक्सुअल नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद टू पेरेंट यानी जब हमारे दो पेरेंट्स होते हैं वो भी अपोजिट सेक्स यानी एक मेल होता है और एक फीमेल होता है पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो भी कैसे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होके तो उसी को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल में ह्यूमंस बर्ड डॉग इटी If you have any type of problem, then please comment me. Thank you. Have a great day.